जो भी नेता आपके सामने धर्म बचाने का भाषण देता है उससे बस एक बात पूछना है, एक्सक्यूज मी सर, आप धर्म बचाना चाहते हैं, एक मिनट आपका चाहिए, बस ये बता दीजिए कि धर्म बचाने की इस लड़ाई में आपका बेटा बेटी भी हमारे साथ चलेगा ना? समझे बात को? ऐसा तो नहीं होगा कि धर्म बचाने की जिम्मेवारी हमारी और ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में पढ़ने की जिम्मेवारी आपके बाल बच्चों की। अगर धर्म बचाना है तो सब मिलकर के बचाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम लोग धर्म बचाएंगे और जो है डिप्टी सीएम साहब की पत्नी जो है वो इंस्टाग्राम पे रील बनाएंगी। पिछले 5 सालों से मैंने और मेरी पत्नी ने झेला है, 5 सालों से। देखिए, ये मेरे खिलाफ कुछ नहीं निकाल पाए, सारी मेरे खिलाफ एजेंसियां लगा दी, मेरे बाल से लेकर नखून तक इन्होंने मेरी सारी तफ्तीश कर ली, लेकिन मेरे खिलाफ इनको कुछ नहीं मिला। जब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने मुझ पर पर्सनल अटैक चालू किए। मेरे पत्नी के खिलाफ इनकी ट्रोल आर्मी जिस प्रकार के आरोप करती है, कोई सभ्य व्यक्ति देखे तो शर्मिंदगी महसूस करे। लेकिन मैंने मेरी पत्नी को भी बोला, हम राजनीति में हैं, हमारे लिए पेशेंस इज अ वर्च्यू, संयम रखना होगा, आप संयम के साथ रहिए, झूठ की उम्र नहीं होती है और सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहता हूं, महिलाओं के बारे में बात करते हैं तो जिस प्रकार का व्यवहार इन्होंने किया है, जिस प्रकार से मेरी पत्नी के मीम्स बनाना, उसके बारे में गंदी गंदी बातें लिखना, ये सारी चीजें शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अरे लड़ना है तो सामने से लड़ो, ये कौन सा शिखंडी का युद्ध तुम लड़ते हो? लेकिन मैं इस मामले में बहुत संयमी हूं, मुझे लड़ाई समझती है, मैं इनको परास्त करता हूं। पहली बात तो यह है कि महाराष्ट्र में पार्टियां तोड़ने का, जोड़ने का, फिर तोड़ने का, परिवार तोड़ने का, जोड़ने का, फिर तोड़ने का, इसके महारथी अगर कोई है तो शरद पवार जी है। 1978 से लेकर लगातार पवार साहब ने कितनी पार्टियां तोड़ी और कितने परिवार तोड़े, इसके लिस्ट अगर हम निकाले तो उनको हमें पार्टी तोड़ने का और परिवार तोड़ने का भीष्म पितामह कहना पड़ेगा। भीष्म पितामह एक सेंस, अलग सेंस है, भीष्म पितामह बहुत बड़े व्यक्ति थे, लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा। लेकिन ये जो दो पार्टियां हमारे यहां टूटी, उन्होंने नरेटिव बनाने की कोशिश की कि बीजेपी ने तोड़ी, लेकिन लोगों को अब सच पता है, जो पार्टियां हैं उन पार्टियों में एक प्रकार से परिवार की अति महत्वाकांक्षा, इसके कारण ये पार्टियां टूटी। उद्धव जी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे इसलिए हमसे नाता तोड़ा, मुख्यमंत्री बनने के बाद आदित्य को सामने लाना चाहते थे तो उन्होंने एक प्रकार से एकनाथ शिंदे जी को सफोकेट किया, उनकी राजनीति को समाप्त करने की कोशिश की। तो एकनाथ शिंदे जैसा व्यक्ति, जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति, उसके पास कोई चारा नहीं बचा, उनको बाहर आना पड़ा। इधर शरद पवार जी ने 30 साल से पार्टी संभालने वाले अजित पवार को डिमोनाइज किया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।